अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश और हरियाणा भर में जहां लाखों लोगों ने इस दिवस पर सुबह के समय योग की विभिन्न मुद्राएं कर शरीर में नई ऊर्जा अर्जित की, वहीं एनसीआर सोनीपत में भी विधायक मोहनलाल बड़ौली ने योग दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने तुलसी का पौधा भेंट कर विधायक को सम्मानित किया। इस अवसर पर बच्चों ने योग क्रिया से जुड़ी हुई विभिन्न मुद्राओं का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। 5000 से भी अधिक लोगों ने योग दिवस पर एकत्रित होकर शरीर को स्वस्थ, तन और मन को ऊर्जावान करते हुए प्राणायाम और योग ध्यान भी किया। इस दौरान विधायक ने बताया कि देश के पीएम मोदी ने देश ही नहीं विदेश में भी योग करने के प्रति जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को हार्दिक की शुभकामनाएं भी दी। आज पूरे देश के अंदर भारत का योग आयोग और आयुष विभाग दोनों ने आज हरियाणा प्रदेश में भी हरियाणा योग विभाग और आयुष विभाग दोनों के प्रयास से जिला प्रशासन सोनीपत में भी आज पुलिस ग्राउंड सोनीपत में जो योग दिवस का आयोजन किया है और आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आज जम्मू कश्मीर श्रीनगर के अंदर योग दिवस के इस शुभ अवसर पर पूरे आज हमारे तमाम जितने भी मुख्यमंत्री हैं, अधिकारी हैं, सब पूरे देश में आज इस योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय 10वां योग दिवस तो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से पूरी दुनिया ने अपनाने का काम किया है और इस योग के माध्यम से लोगों का जो स्वास्थ्य ठीक हुआ है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है योग की। और हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, ये दुनिया के स्वास्थ्य की चिंता जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, आज मैं बधाई देता हूँ कि ऐसा एक अवसर पूरी दुनिया के देशों को जो दिया है और ऐसी प्रेरणा दी है जिससे आज लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।